ये ऐसे लग रहा है पानी के गुजरने की जगह है, पत्थरों से भरा हुआ रूट है। व्यू चेक करो। ओए ओए गया गया गया। लाइव मिल्की वे नजर आता है, एक तो होता है कैमरे से कैप्चर किया, लाइव नजर आता है। यहाँ पे आवाज है ना काफी तेज है, फ्रेम पूरा हिल रहा है। हाय 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 भाई साहब, फ्रेम चेक करो, यहाँ पे होगी जी हमारे बाइक की फोटो। चेक दिस आउट, पुल नीचे हो गया यार। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चुंदा वैली को एक्सप्लोर किया था और हम पहुंच गए थे चुंदा वैली, वहाँ पे हमने व्लॉग एंड कर दिया था। अब बारी है वापसी के रास्ते की। वैसे मैंने वापसी का रास्ता रिकॉर्ड नहीं करना था, जाते हुए तो हम लोग सही ट्रैक पे गए थे, लेकिन वापसी पे चुंदा वैली के अंदर से कोई एक टर्न हमने गलत ले लिया था, जिसकी वजह से हम जो है दूसरे रास्ते पे आ गए थे, जो कि जाता सेम जगह ही है लेकिन ट्रैक कुछ इस तरह का है। यार वापसी हम किसी और रूट से जा रहे हैं और ये चेक करें यार, ये उस रूट से भी गंदा रूट है। मतलब वो रूट तो अच्छा खासा था, ये ऐसे लग रहा है पानी के गुजरने की जगह है, पत्थरों से भरा हुआ रूट है। रास्ता तो चेंज है, आप फिर वापस जाएं यहाँ से? हाँ ना, अब जो है वही है यार, बहुत ज्यादा पत्थर हैं। नहीं उतरना इन पत्थरों पे इजी होता है, छोटे पत्थरों पे थोड़ा मुश्किल होता है। ये चेक करें, चश्मा आ रहा है, रोड के साथ साथ गुजरता जा रहा है। इंजन में से कोई चीज़ आवाज़ कर रही है, जब से बाइक ख़राब हुआ है थोड़ी थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज़ आ रही है, या तो कोई पेज अंदर खुल गया है या इस तरह कुछ चेन ग्राड़ी टाइप की आवाज़ आ रही है। अल्लाह ख्याल करे, बाइक चल रहा है लेकिन वो आवाज़ बड़ी गंदी आ रही है, कोई और इशू ना हो जाए बस। एक ट्रैक से हम लोग गए और अभी दूसरे ट्रैक से वापस आ रहे हैं, मतलब इसके दो ट्रैक हैं। जो हम ऊपर आते हुए ऊपर राइट की तरफ हो गए थे ना, जो मैंने दिखाया था जहाँ पे लिखा होता चुंदा, वहाँ से हम गए और आते हुए हम एक गलत हो गए, लेकिन आता वो भी यहीं पे ही है। जाते हुए ना हम यहाँ से गए थे ये चुंदा के बोर्ड से सीधा ऊपर, और आते हुए हम इस रास्ते से आए। इस टाइम हम लोग खड़े में बिल्कुल कटपंदा डेजर्ट के करीब, वो सामने देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इस तरह लगे ना, इधर पता नहीं क्या चीज़ है, इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ से। अभी सीधा जाएंगे कटपंदा डेजर्ट, देखते हैं। ऊपर रोड तो नहीं होगी, हवा वगैरह कम करनी पड़ेगी, डेजर्ट के हिसाब से करनी पड़ेगी। ऊपर जाते हैं, कैंपिंग का प्लान है यहाँ पे, और उसके बाद फिर कटपंदा लेक भी है, वो भी देखते हैं। अगर आज कवर होगी तो बेस्ट है, ना भी तो सुबह कर लेंगे। यहाँ से तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है, अब आगे जब बाइक, अब आगे जब उसमें बाइक चलाएंगे ना फिर पता लगेगा। वहाँ पे चल रहा हूँ ना मैंने, नहीं बस ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, बस डेजर्ट वाली रेत से तो शुरू हो गई है, लेकिन पता कर करके जाना पड़ रहा है, मैप हमने लगाया नहीं हुआ। बड़े मजे के गांवों से रास्ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कटपन्ना किस साइड है? वो पुल तक ही है, ठीक है, चले मेहरबानी। आज पता नहीं मैप लगाने का दिल ही नहीं कर रहा, बस पूछ पूछ के जा रहे हैं, एडवेंचर कर रहे हैं आज हम, असल एडवेंचर। ये आ गई भाई साहब पहली झलक कटपना डेजर्ट की। ओह माय गॉड यार क्या खूबसूरत लग रहा है, व्यू चेक करो। बाइक के साथ कुछ ऐसे हाथों के हालात होते हैं, सामान पैक करो ये करो, आजकल मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई यार सामान में। कटपना उधर से रास्ता जा रहा है, कटपना नहीं, जो पीछे रास्ता बना हुआ था वो किधर गया? उधर किधर जाता है? पहले इधर जाना है झील, ये कह रहा है ये झील में जाता है। चलो भाई हम जा रहे हैं कटपन्ना लेक, पहले हम आगे आ गए थे उस रास्ते से, तो हमने कहा चलो उधर चले जाते हैं। पिछली दफ़ा बावलपुर वाला एक्सपीरियंस तो बड़ा ही खतरनाक था मेरा, डेजर्ट वाला इस दफ़ा देखते हैं कैसा है। ये हमने मार दी जी एंट्री कटपन्ना डेजर्ट में, फिलहाल तो स्लिप वाली रेत नहीं है, स्लिप वाली वो ऊपर है। ओए ओए नहीं नहीं है, ये भी है,
तरफ सारा कटपना डेजर्ट है, लेकिन अभी हम उसकी एक साइड से गुजर रहे हैं। अच्छा ये है, वैसे ही देख लेते हैं ना आगे थोड़ा जाके। यार लेक तो किसी काम की नहीं थी, अब हम वापस डेजर्ट वाली साइड आए, यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। हसान भाई को जाने दे एक दफा। ओए ओए गया गया गया। चुके हैं कटपन्ना डेजर्ट पे, यहाँ का जो मशहूर चीज है वो है मिल्की वेस। आई होप सो कि रात को मौसम क्लियर हो, फिलहाल तो बादल है ऊपर। अगर रात को मौसम क्लियर हुआ तो ये बता रहे हैं होटल वाले कि इधर भाई साहब ऊपर लाइव मिल्की वे नजर आता है, एक तो होता है कैमरे से कैप्चर किया लाइव नजर आता है, तो भाई बड़ा फिट सीन होने वाला है। अभी हमने कैंपिंग की जगह ले ली है, इस दरख्त के बिल्कुल पास कैंप लगाएंगे, चीजें सीजें चार्ज करेंगे। और अगर आप कटपन्ना डेजर्ट आ रहे हैं और रूम लेना है, उस साइड पे तो काफी थारे गिले हैं पाकिस्तानों, काफी थारों के हम उस साइड से नहीं आए, इस साइड से हैं। तो यहाँ पे 12,000 रुपया हमें बोला है, हमने वैसे लेने नहीं थे, कैंपिंग ही करनी थी, वैसे हमने रेट पता किए हैं 12,000 रेट है, नीचे तक आ भी गए तो 10,000 तक आएंगे। हमने तो 1500 रुपया दिया भाई साहब, इधर लगाएंगे कैंप, वॉशरूम यूज करेंगे, हर चीज यूज करेंगे, वाईफाई और चार्जिंग वगैरह। अभी वर्का पीछे ऑर्डर कर रहे हैं कुछ खाना पीना, दिन के 3 हुए अभी, इतना टाइम भी नहीं हुआ, बस वैसे ही मौसम ऐसा बना हुआ है ना, कैसा लग रहा है यार ये चीज पीछे चेक करें, सैंड ड्यून्स, ये भी इतने फिट लग रहे हैं ना। जबरदस्त किस्म की धूप आ गई है और ये आ गई जी हमारे कैंप, लेकिन यहाँ पे आवाज जो है ना काफी तेज है, कैंप पूरा हिल रहा है। अभी तो हमने बीच में सामान रख दिया है, फिर उसके बाद नहीं हिलेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बाद में, देखते हैं जो जिस तरह सीन हुआ। किधर लेके जा रहा है यार? कैंप शैम्प लगाने के बाद मैंने बाइक के टायर में से हवा थोड़ी कम कर दी है, फ्रंट से भी और बैक से भी, क्योंकि हमारे पास हवा भरने वाले तो हैं। मैं कहा अब यहाँ तक आएँ तो इन्जॉय करके जाएँ, जरा थोड़ा सा सैंड ड्यून्स पे बाइक चलाते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ बाइक फुल हल्का कर दिया है, बस एक दो चीज़ें लगी हुई हैं, इनका वजन ना होने के बराबर ही है तो है लेकिन इतना नहीं है। हाय 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 भाई साहब, फ्रेम चेक करो, यहाँ पे होगी जी हमारे बाइक की फ़ोटो। थोड़ा सा आगे कर देता वैसे, लेकिन चलो गुजारा हो जाएगा, मज़ा आ रहा है यार, हवा कम करके बड़ा फिट जा रहा है। छोटी सी वीडियो भी बना लेते हैं। ओहो हो क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, ये चेक करो, वाह वाह। Oh.
मजा आ रहा है यार इधर। स्टार्ट गए, चेक दिस आउट। ओए बाइक भेजो, मैंने बगैर किसी स्टैंड के खड़ा हुआ, पुल नीचे हो गया यार। भाई कितना बिल्कुल भाई, वो उसको क्या कहते हैं, चेन बाहर है, पैर कितना अंदर चला गया और बगैर किसी चीज के स्टैंड के बगैर खड़ा हुआ है यार। इतना मजा आ रहा है इधर चलाने का। ओए 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 ओए, कितना छोटा हो गया बाइक, बैठना कितना इजी हो गया। साहब क्या एडवेंचर किया है, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। ये चेक करो, सब मेरे बाइक के निशान जा रहे, वो नीचे से भी घूम घाम के सारे, वो बाइक अभी पार्क किया है, नेचुरल पार्किंग की हुई है। इसी तरह खड़ा है, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लगाया हुआ, बस उधर घुसा दिया है। यार इतना मजा आया ना, वर्गा कैसी जगह यार, जो टर्न ने आज मजा करा दिया ना, मसले बड़े करते हैं लेकिन मजा बड़ा कराया, मजा कराता है बड़ा ही मजा यार। ये पीछे देखो, वो एयरपोर्ट है शायद ना, वो पीछे सही बात है, दुबई में घूम रहे हैं। लेकिन दुबई में ऐसे पहाड़ नहीं मिलते भाई, ये सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं। ऊपर बर्फ है और बहुत फिट सीन है।